मेरा नाम बदरुद्दीन अत्तार है माशा मैं मुबारक की दावत इस्लामी योगांदा माशा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ाजल्ला आई एम वेरी हैप्पी टू हैव कम फॉर द इज्तिमा ऑफ 7 डेज सो नाउ माय क्वेश्चन गोज लाइक दिस व्हाट इज द शरिया रूल इन रिगार्डिंग गुड बिहेवियर बिटवीन मी एंड माय टू My brothers and sisters from different mother but the same father. इन्नमल मोमिनून इख्वतुन मुसलमान आपस में भाई भाई तो रिश्ता तो मौजूद है अब सौतेले रिश्ते का एक और रिश्ता जो था ये कायम हुआ तो सौतेले भाई बहन में आम तौर पर शायद हो सकता है कोई खिंचमता नहीं रहती हो ये होनी नहीं चाहिए ये अब इसके साथ लफ्ज भाई बहन लग गया ना आपका शरीयत के जो तकाजे उसके मुताबिक इनके साथ भी उसने सुलूक करना करना और करना है बाप की तरफ से कोई बच्चा है कोई बच्चा माँ की तरफ से और ये आपस में लड़ेंगे तो ना माँ को सुकून मिलेगा ना बाप को सुकून मिलेगा माँ बाप यही चाहेंगे कि दोनों आपस में लड़ें नहीं और प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव रहें और जिंदगी गुजारें अब यहाँ बात सुनते होंगी पर्दे वगैरह की वो तो निभानी होगी सोतेला बाजोकत बल्कि वैसे भी उमूमी तौर पे हमारे यहाँ उनको भी कहते हैं कि जैसे माँ दोनों की एक है बाप अलग था या बाप जो है वो एक है माँ अलग अलग है तो इसको भी सोतेला कहते हैं नया पैदा हुआ जो जी वो पहले के वो सगा उसका एक दूसरे के जो थे जी, जी तो इसमें भी तो बात इसके हुकूक तो और बढ़ जाएंगे बात सूरत में विरासत का भी हुक्म होगा दीगर अकाम इसके ऊपर भी आएंगे इन माँ बाप की भी खुशी है इनकी इताअत है तो वही शरीयत के दायरे में रहकर हर एक को अपना मतलब रोल अदा करना है जो आप हमेशा एक तरगीब इरशाद फरमाते हैं जो बच्चों के लिए कि अगर वालिद मतलब वालिदा का इंतकाल हो जाए तो अपने वालिद की शादी के तरफ जाएं और वालिद का इंतकाल हो जाए तो अपनी माँ की शादी की तरफ औलाद को जाना चाहिए और ये जो शादी से घबराते हैं ना इसकी शायद एक वजह ये भी है कि फिर जो बच्चे होंगे ना वो सोतेले बच्चे की या वो अगर एक पहले से बच्चे हैं तो इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से भी ये शायद घबराते हैं तो औलाद अगर दिल बड़ा करे और इस तरह के हालात पैदा करे तो शायद कई खराबियों पर काबू पाया जा सकता है असल वो माँ बाप जो नया शोहर है वो बच्चे लाए उसको पालने का उसको जज्बा नहीं होता जी मेरा बच्चा नहीं है इसी तरह शादी जो करेगा वो अगर पता है कि जिससे करना चाहे उसके 3 बच्चे पहले ही हैं जी तो वो उनका खर्चा उठाने उनको पालने के लिए तैयार नहीं होगा जी जी इस मेन रुकावट ने ये भी आती है दुरुस्त फिर बाद में दूसरी बाजों में सूरतें भी होती हैं लेकिन ये मेन मैंने नोट किया कि ये रुकावटें होती है तो ये पसंद करेंगे किसी के पास कोई बच्चा ना हो फिर ये आपस में तय भी होता है गालिबन कि भाई मैं बेटी बहन को दे दूंगी मैं बेटा बड़े भाई को दे दूंगा जी जी। हम अकेले रहेंगे यूं करके वो लेकिन अब ये तो थूक का सांधा है ना शरीयत इस पे मजबूर करेगी इनको कि अपने बेटे को मत लो ना अपनी बेटी को मत दो तो यार आज नहीं तो कल वो ले ही लेंगे तो जो ना होगा होगा ऐसी शराइत ये शर्त भी है नहीं मतलब बेटी को फेंक दे वो बेटे को उठा के कहीं और डाल दे वे शादियां करे और फिर कोई रिश्ता ना रहे वो तो रिश्ता तो कयामत में भी बाकी रह गए तो खत्म ही नहीं होगा औलाद का रिश्ता जो है इनके हुकूक भी रहेंगे ये मरेगा तो इसको विरसा भी मिलेगा बाप का माँ का जो भी शरीयत ने तय किया वरना निकाल दिया उधर उधर सौंप दिया फेंक दिया उठाकर ये तो होगा मतलब और यूं भी डरते होंगे मालदार आदमी जो है वो उसके औलाद जो है वो नहीं करने देती होगी कि बाप तो अब पता नहीं कब तक रहेगा ये जितना कमाया नहीं आएगी ना ले जाएगी तो यूं भी डरते होंगे सौतेली से फिर सौतेली माँ जुल्म करती है तो ये भी सौतेला बाप जुल्म करता है ये भी माशरे में ऐसा भी कुछ है रुझान तो अब भी होगा जाहिर है तो हालांकि ये भी जरूरी नहीं है कोई जरूरी नहीं है बाजों का सगे माँ बाप औलाद से ऐसा सुलूक करते हैं कि जल्लाद को शर्मा दें तो बाजों का सौतेले माँ बाप ऐसा प्यार देते होंगे कि दुनिया देखती रह जाए तो ये कोई तय नहीं है मतलब कि सौतेला माँ अल्लाह जुल्म करेगा ही करेगा